अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं इस एक्रेलिक बेस्ड पेंटिंग की इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ। मटेरियल, मेथड, टेक्निक, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इस कैलीग्राफी विल बी डिस्कस्ड हियर। हे व्यूअर्स, हियर सादी आर्ट फ्रॉम sadiart.co.uk एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Now let's get into it। अब हमारी शुरुआत होती है एक्रेलिक्स के साथ, और यहाँ पर ये जो स्केचबुक यूज़ कर रही हूँ मैं, विंजर एंड न्यूटन की स्केचबुक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इधर। और इसका जो पेपर होता है वो हैवी होता है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा शीट इसके नीचे रखूँगी ताकि जो पिछले पेपर है ड्यूरिंग पेंटिंग ख़राब ना हो। और इसकी जो मार्जिनस हैं उनको मैं स्कॉच टेप लगा के जो है अच्छे से कवर कर लूँगी। ये जो पेपर का साइज़ है ये A3 साइज़ है, और मार्जिन लाइंस जो है लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ये जो मार्जिनस है ये सेफ रहती है, यहाँ पे पेंटिंग नहीं जाती। और ये वैसे भी पेंटिंग टू पेंटिंग वेरी करता है, बाज़ डिज़ाइंस इस नोयत के होते हैं कि हमें ये मार्जिन लाइंस कवर करने की ज़रूरत नहीं रहती, और बाज़ डिज़ाइंस जो होते हैं उनमें ये जो है स्कॉच टेप रिक्वायर होती है। तो ये जो है अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है इधर हमें ये चाहिए या नहीं। और स्कॉच टेप लगाने के बाद यहाँ पर मैं डिस्पोजेबल पैलेट यूज़ करूँगी, बस मैं इसको एक दफ़ा यूज़ करूँगी। ये होता है डिस्पोजेबल पैलेट यूज़ करने से आपको पैलेट साफ़ करने के बाद में ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं जो है ट्यूब आउट कर रही हूँ कलर्स को, और ये देखिए ये साइड से भी लीक कर रहा है। जब बच्चों के हाथ में चीज़ें आ जाएँ फिर वो ऐसे ही होता है, मुझे इसको साफ़ करना पड़ा है, अपने हाथों को पेंट लग गया था। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो कलर्स हैं वो मैं जो है एक ही टाइम में सारे कलर्स जो हैं वो ट्यूब आउट कर लूँगी, ठीक है। और ये जोन से भी कलर्स हैं, मैं जो मेरे थीम के अकॉर्डिंग जो कलर हैं वो जितने मुझे चाहिए। वाइट कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाला है। ये रेड शो हो रहा है लेकिन ये एक्चुअली मैजेंटा कलर है। यहाँ पर ये मैंने कलर्स के नाम मेंशन किए हैं, ये जो ट्यूब में लिखे थे ये मैंने वैसे ही मेंशन किए। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर एज इट इज़ ले सकते हैं। और यहाँ पर मुझे वाटर चाहिए होगा, ये स्प्रेयर, वाटर स्प्रेयर बॉटल से मैं पहले पेपर पर स्प्रे कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से पेपर जो है वो अच्छी तरह से कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर ये जो येलो ऑकर कलर है ये मैंने यहाँ से शुरू किया है, और वाइट इसमें साथ में मिक्स कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर व्यूअर्स आपने एक बात नोट की होगी कि मैं पैलेट पे कलर्स मिक्स करके पेपर पर नहीं लगा रही, ठीक है। मैं कलर उठाती हूँ और पेपर पर ही जैसा मुझे शेड चाहिए होता है मैं वैसा बनाती हूँ। और बर्न अम्बर कलर जो है वो अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है, और जितनी मुझे अमाउंट वाटर की ज़रूरी लगती है वो मैंने यूज़ किया है। ये जो मैं स्टॉक्स ऐड कर रही हूँ ये एक यहाँ पर ये एक ऐसा फेज़ है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत फियरफुल स्टेज होती है। वो डरना कि कहीं गलत ना हो जाए, जो हमारे पेंट्स हैं ज़ाया हो सकते हैं, हमारा पेपर ज़ाया हो सकता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें कॉस्टली आती हैं, पैसों की आती हैं, लेकिन व्यूअर्स आपको इस खौफ से निकलना होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं आप एक्सपीरियंस करें, कुछ सीखें, कुछ खुद से कलर्स को मिक्स करना सीखें, आप जो है बहुत सी नई चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे जब आप अपने डर को काबू पा लेंगे। डर कौन सा कि पेंट्स ज़ाया हो जाएंगे, पेपर ख़राब हो जाएगा, कैलीग्राफी अच्छी नहीं बनेगी, ये वो। अच्छा लेट्स सपोज ख़राब बन जाएगा तो क्या होगा, कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई धमाका हो जाएगा, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, दोबारा से बना लीजिएगा। तो यही हमारा एक लर्निंग प्रोसेस होता है, गलती करना, सीखना, उसको ओवरकम करना, गलती के डर से काम ही ना करना, ये गलत बात है। आप इस चीज़ से फिर कुछ नहीं सीख पाते। यहाँ पर देखें जो बाउंड्रीज हैं वो मैंने लाइट कलर में, इसलिए मैंने वाइट आपके सामने ज़्यादा ऐड किया था, वाइट में उस पर ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरी जो पेरिफरी है, जो किनारा है, जो मेरी सराउंडिंग है, बाउंड्री है, वो लाइट कलर्स में हो। और जो उसका सेंटर है, सेंटर जो है वो मैं शार्प बनाना चाहती हूँ। अगर सेंटर शार्प होगा तो ज़ाहिर बात है बाउंड्रीज लाइट होंगी, हर जगह हर कलर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते हम। व्यूअर्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आपने गौर की हो कि ब्रश के बारे में, ब्रश जो है वो मैंने थ्रू आउट द प्रोसेस सेम ही यूज़ किया है, ब्रश मैंने चेंज नहीं किया।
जितने भी स्ट्रोक्स लगाए हैं मैंने, ये जो मेरा ब्रश है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हो, मैं ये यूज़ करती हूँ, ये मेरा पुराना ब्रश है सबसे, और इसके जो स्ट्रोक्स हैं वो बड़े खूबसूरत ऐड होते हैं, इसके ब्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल एक नेचुरल से लुक आती है जब मैं स्ट्रोक्स ऐड करती हूँ। तो बर्न एम्बर कलर अब मैंने जो है प्राइमरी मेजेंडा के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसके स्ट्रोक्स जो है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ आहिस्ता से। देखिए मैंने पानी यहाँ पर यूज़ नहीं किया, कलर को एज इट इज़ ही जो है मैं प्राइमरी मेजेंडा के साथ जो है मिक्स करती जा रही हूँ। ये आपके सामने है, और जो इसका किनारा था बाउंड्री लाइट कलर्स में, और सेंट्रल पार्ट उसका शार्प है, और इसमें बर्न एम्बर कलर और मेजेंडा कलर की जो है वो मैंने स्टॉक्स के साथ लगा के उसके सेंट्रल एरिया को मैंने इस तरह से फिल किया है आपके सामने। अब यहाँ पर ब्रश को मैंने जो है पानी में भिगो दिया है ताकि अगर मज़ीद मुझे ज़रूरत पड़े ब्रश की तो ये मुझे साफ मिले, और यहाँ पर यूनिक कलर्स जो है वो मैं ट्यूब आउट कर रही हूँ। ये कलर्स जो है अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ये मेरी पेंटिंग के थीम से थोड़ा हट के कलर्स हैं, ठीक है। ये ब्लू, पिंक और ग्रीन कलर, ये मुझे जस्ट कॉर्नर में थोड़े से इनके स्टॉक चाहिए, ये मुझे हर जगह इंट्रोड्यूस नहीं कराने, जस्ट कॉर्नर पे लिटिल बिट इनके स्टॉक्स चाहिए। ये जो है बड़ी एक खूबसूरत सी लुक क्रिएट करेंगे पेंटिंग में, एक बड़ी यूनिकनेस इसमें ऐड होगी। वेरी लिटिल बिट वाइट के साथ थोड़ा सा शेड, ताकि जब आप पेंटिंग देखें तो थोड़ी सी इनकी झलक भी आए। ज़्यादा यूज़ नहीं करने, थोड़े से करने हैं, और जो ब्रश जिससे मैं यूज़ कर रही हूँ वो छोटा ब्रश है, और इसके भी ब्रिस्टल्स उसी तरह से पिछले ब्रश की तरह बिखरे हुए हैं। ये ब्रशेस जो है मैंने पाकिस्तान से ही बाय किए थे, कोई ब्रांडेड ब्रश नहीं है, आम है, आम किसी भी शॉप से, पेंटिंग शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पर अब मैंने एक कॉर्नर पे रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड्स जो हैं वो लिखना शुरू किए हैं। वाओ मैंने बड़ा लिखा है, और उसके सराउंडिंग में स्मॉल डिटेल ब्रश से उसी शार्प कलर के साथ मैंने रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड्स ऐड किए हैं। और अब मैंने वाइट को मेजेंडा के साथ थोड़ा मिक्स करके पिंकिश सा शेड बनाया, और उससे मैं मज़ीद उन रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड्स के ऊपर मज़ीद उसको ऐड कर रही हूँ। ये 3D लुक बन रही है। सबसे नीचे आपके डार्क कलर की लेयर, उससे ऊपर जो है थोड़ा सा मज़ीद लाइट कलर की लेयर, ये जो है आपकी 3D लुक बड़ी आसानी से इससे बन जाएगी। अब सेकेंड कॉर्नर पर मैं अल्लाह का वर्ड ऐड करूँगी, और ये कैलीग्राफी ब्रश से मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। व्यूअर्स, ये जो ब्रश अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये मैंने वीडियो भी इस पर बनाई है, कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसमें मैंने तमाम अपने ब्रशेस के बारे में डिटेल से बताया है कि कौन से ब्रश जो है वो कैलीग्राफी के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और डिटेल ब्रश से यहाँ पर मैंने हरा का ऐड किए हैं, और अब मज़ीद जो है इस कॉर्नर में एक स्पेसिफिक एरिया में मैं रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड जो है उसी मेजेंडा कलर से, शार्प कलर से मैं ऐड करूँगी, और इस एरिया को यहाँ पर मैं फिल कर दूँगी, ठीक है, इन्हीं रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड को ऐड करके। व्यूअर्स, रैंडम कैलीग्राफिक वर्ड जो ऐड करना, ये भी एक आर्ट होता है। इंसान सोचता है अब कौन सा वर्ड ऐड करना है, कौन सा वर्ड मज़ीद ब्यूटी इसमें ऐड कर सकता है। तो अगर आप इसकी भी पहले से एक पेपर पे प्रैक्टिस करके रख लें तो वो बड़ा अच्छा होगा, आगे आप पेंटिंग करेंगे तो आसानी रहेगी आपकी, पहले से अगर प्रैक्टिस होगी तो। यहाँ पर देखें कि मैं वर्ड्स ऐड करती जा रही हूँ, और सेम कलर है, वही कलर जो मैंने अल्लाह का वर्ड लिखने के लिए यूज़ किया था। अब यहाँ पर इस पेंटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट कि मैं इसमें नकात ऐड करने शुरू किए हैं, रैंडम नकात ऐड करूँगी डिफरेंट साइज़ के। और यहाँ पर देखें जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है वहाँ वहाँ पर मैं नकात ऐड करूँगी, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा, और आप देखिए कि कितनी इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही है नकात के ऐड करने से। जस्ट रैंडमली मुझे जहाँ पे लगता है कि नुकता होना चाहिए वहाँ वहाँ पे जो है वो मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर देखिए इसका तरीका, देखिए किस तरह से दो पैरेलल लाइंस ऐड करके और बाद में जी उनको फिल किया है मैंने। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि मज़ीद उस मेजेंडा कलर में वाइट ऐड करके मैं थोड़ा सा पिंकिश शेड बनाया, और उस पिंकिश शेड से मैं रेड कलर के ऊपर
यहाँ पे मैंने रैंडम कैलीग्राफी की थी, मज़ीद वर्ड लिखूँगी अब लाइट कलर में। ये बहुत प्यारा इम्पैक्ट पैदा करेगा इधर, ये 3D लुक क्रिएट होगी इससे। यहाँ पर देखें, मैं जो है उस रेड पार्ट के ऊपर मज़ीद कैलीग्राफिक वर्ड लाइट कलर में जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर प्योर वाइट कलर से मैंने चंद इक्का दुक्का वर्ड सेंटर में मैंने ऐड किए हैं मज़ीद उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। सिमिलरली इधर भी प्योर वाइट कलर से इक्का दुक्का वर्ड इस कॉर्नर पे भी जस्ट मैंने ऐड कर देने हैं स्मॉल डिटेल ब्रश के साथ। अब बारी आती है मेजर पार्ट की। वाइट चारकोल पेंसिल से मैंने लाइट सा ट्रेस कर लिया है जहाँ जहाँ पे मुझे अपने रैंडम ये जो है लोहे पर आने के वर्ड जो है वो ऐड करने हैं, और स्मॉल फ्लैट ब्रश से जो है मैं इधर कैलीग्राफी जो है वो करते जाऊंगी। फ्रेंड्स, कैलीग्राफी एक बहुत खूबसूरत आर्ट है। आप अगर एक वर्ड पे 1 से 2 घंटा आप उसको टाइम देते हैं तो आप उस वर्ड को सीख लेते हैं, लेकिन अगर मास्टर होना है तो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप पूरी उम्र सीखते रहते हैं, आप वर्ड्स को मुख्तलिफ तरह से लिखते हैं, सीखते हैं, और जो है आपके हाथों में लफ्ज़ जो है वो कितनी देर पे सेट होता है ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपने उसको टाइम दिया होगा तो उतना ही ज़्यादा आपकी पेंटिंग जो है वो बोल के बताएगी कि हाँ मुझे वाकई में किसी मास्टर ने बनाया। ठीक है, शुरू में सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, लर्निंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये चीज़ें जो हैं, और डरना नहीं। ठीक है, डरना नहीं है पेंसिल चलाते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। आप पता क्या होता है, जिस भी काम में जज्बा हो, आपका दिल हो और जितनी उसकी तरफ कोशिश हो वो काम हो ही जाता है, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाता है। और जो है वाकई में फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर सब को जो है पता चल जाता है, ज़रूरत नहीं रहती, आपका काम खुद बोलता है, आपको जा के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी हमारा पेज लाइक करें, हमारी कैलीग्राफी को लाइक करें, तारीफें ऐसे बोल के ली तो क्या ली। ठीक है, आपका काम बोलना चाहिए, आपके काम में जो है वो नज़र आना चाहिए कि हाँ मेरा जो बनाने वाला वो कैसा होगा। तो ये जो है बातें इम्पोर्टेंस रखती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपके सामने मैं वर्ड्स लिख रही हूँ लोहे कुरानी के, ये वर्ड्स जो हैं टाइटेनियम वाइट कलर से मैं लिख रही हूँ, और कोई वाटर मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैं एज इट इज़ ही पेंट को यूज़ कर रही हूँ, जैसे ट्यूब से निकला था वैसे का वैसे ही ब्रश पे लगा के मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्योर इसका शेड चाहती हूँ, मैं पानी इसमें नहीं ऐड कर रही। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक वेरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहूँ कि एवरीवन इज़ अ लर्नर, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं भी लर्निंग के फेज़ में हूँ, हर कोई लर्निंग के फेज़ में होता है, हम सब में आजिज़ी होनी चाहिए, अपनी गलती कबूल करने का हौसला होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, इनफैक्ट परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट तो वही अल्लाह की ज़ात है जिसने हम सबको बनाया है, और हम अपनी ज़िंदगी जो है पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, और मास्टर तो हमारा रब होता है जो हमें सिखाता है, हमें नॉलेज देता है, और हमें ये होता है कि हम सीखते रहें, अपने इल्म को एक्सप्लोर करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और जो है अगर इसमें भी आपको मेरी इस वीडियो में मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं आपसे जो है उसकी अभी से माजरत कर लेती हूँ। मेरा जो है किसी का भी दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं होता, जस्ट जो बात है वो हम सब अपनी कन्वे करते हैं, और जो है अल्लाह ताला हम सब की मंजिलें आसान करने वाला है। व्यूअर्स, अब यहाँ पर वर्ड्स जो मैंने लिख लिए हैं, अब इधर मैं नकात और कुछ फिलर्स ऐड कर रही हूँ उसी वाइट कलर के साथ, जो कि इस फिलर्स ऐड करने से ये होता है कि जो कैलीग्राफी के वर्ड जो हैं हमारे एम्पटी कुछ खाली लगते हैं, तो फिलर ऐड करने से वो उसमें फिलिंग आ जाती है, वो भरे हुए लगना शुरू हो जाते हैं। और वाइट कलर सेम कलर ही चूज़ किया है मैंने, जिस वर्ड से जिस कलर से मैंने वर्ड्स लिखे थे उसी कलर से ही मैं अपने फिलर्स जो हैं
वो ऐड करूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैलीग्राफी है, जो पेंटिंग है, इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट और बस बिल्कुल लास्ट फेज से गुजर रही है, पूरी होने वाली है। और वैसे भी अगर आप के लिए कोई क्वेश्चन, कोई बात जो आप इस पेंटिंग के बारे में पूछना चाहें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है मैं सब कुछ बताऊं जो कुछ है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है, मिस हो गया है, मैं नहीं बता पाई, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जो है पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब दूँ। If you are looking for online affordable art, you should visit my website here, and do not forget to like, subscribe and press the bell icon for more unique ideas, new learning, and it would not cost you anything. Yes, it is totally free and you just have to subscribe it and watch my other videos over here. Thank you so much.